Hello, everyone. मम्मी, हाँ जी, आज लंच में क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी, वाह शाबाश। पूरी दुनिया ईद की तैयारी कर रही है, आप खिचड़ी बना रहे हो। कल के लंच का इंतजाम मैं करूँगा, कल का आप रहने देना। ठीक है। तो बिरयानी बनाने के लिए मटन मैंने लिया है 550 ग्राम्स। मटन में हम डालेंगे 1 टीस्पून जावित्री एंड जायफल पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून शाही जीरा, ये मैंने ले लिया है 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और 4 लौंग को क्रश करके डाल दिया है, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, लेमन जूस 30 ml, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट। नाउ आई एम एडिंग 3 ग्रीन चिलीज स्लिट इन टू हाफ। ग्रीन चिलीज को बीच में से स्लिट किया है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर नॉर्मल एंड 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर। हमने 5 मीडियम साइज अनियंस फ्राई किए थे, इसमें से ऑलमोस्ट हाफ हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ वी विल ऐड ड्यूरिंग द लेयरिंग ऑफ राइस। विल ऐड 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। मार्केट में मिलने वाला कोई भी बिरयानी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ फ्लेवर वो भी ऐड करेगा। देन वी ऐड कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स एंड फाइनली 200 ग्राम कर्ड। सो 550 ग्राम्स मटन में मैंने 200 ग्राम्स कर्ड लिया है। Now we'll just mix all this nicely together. So it's mixed up nicely now. ध्यान देखिए, बिरयानी के पीसेस मैंने बड़े कटवाए थे, so ensure you have large cut और medium cut pieces for biryani. So I prefer large to medium size cut. This mix will now go into the refrigerator for overnight marination. रात भर हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें हमने पपाया नहीं यूज़ किया है। अगर आपको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना है तो यू कैन यूज़ पपाया पेस्ट फॉर मैरिनेशन और फिर आपका मैरिनेशन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, बट आई प्रेफर टू कीप इट ओवरनाइट। दिस विल नाउ गो इनटू द रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट मैरिनेशन। सो वंस अगेन, एज फॉरगेटफुल एज आई एम, I forgot one more thing. I forgot to smoke the marination. तो हम इसके मैरिनेशन के बीच में एक कटोरी प्लेस करेंगे स्टील की। कटोरी के ऊपर वी विल प्लेस अ रेड हॉट वुड चारकोल। अगर आपके पास वुड चारकोल अवेलेबल ना हो तो आप कोकोनट हस्क भी यूज कर सकते हैं, ड्राई कोकोनट हस्क। I will add some ghee over it and let it smoke. We'll add some ghee and let it smoke. अब इसका स्मोकी फ्लेवर अच्छी तरह मटन में इन्फ्यूज हो जाएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी बिरयानी में स्वाद नहीं आने वाला। So now we can let it marinate overnight. This is now going into the fridge. बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम एक बड़ा बोल, एक बड़ी कटोरी चावल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। नाइसली वॉश करके जो पानी क्लीन लगे इसको हम सोक करने के लिए रख देंगे। विल नाइसली वॉश द राइस एंड सोक इट इन वाटर फॉर अबाउट 1 आवर। वाह वाह, देखिए हमारा मैरिनेटेड मटन आ गया है फ्रिज से। ये देखिए जमी हुई फ्रॉस्ट, उसका प्रूफ। वाह, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि बस अभी खा लिया जाए। ये है स्मोक करने का कमाल। ओके, अब हम
5 मिनट हाई फ्लेम पे मटन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। पांच मिनट रोस्ट करने के बाद वी विल लेट इट कुक। साइड में हमारा मटन आराम से पक रहा है। अब हमने ले लिया है एक बाउल में पानी, राइस कुक करने के लिए वाटर। पानी ज़्यादा लेना है सो दैट वी कैन ड्रेन द वाटर लेटर। इसको एक बॉयल आने देंगे। बॉयल स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। नाउ वी विल ऐड सोक्ड राइस। एक बॉयल आने के बाद मैंने गैस को लो टू मीडियम पे कर दिया था। अब हम राइस अच्छी तरह कुक होने देंगे। फाइनल डन होने से पहले इसको हमें बस निकाल लेना है। हमें अब दो बातों का ध्यान रखना है, ना हमें मटन फुल कुक करना है और ना ही राइस फुल कुक करने हैं। सो राइस एंड मटन दोनों शुड बी अराउंड 80 to 90% डन। अब सारे कुक्स आपको यही बोलेंगे 80 to 90% डन। अब आपको पता कैसे चले 80 to 90% हो चुका है, हम आपको बताएंगे। सो राइस को चेक करने के लिए देखिए, अभी आपको देखते ही पता लग जाएगा राइस कच्चा है, राइट? जब आपको लगने लगे कि राइस आधा पक चुका है या कच्चा है, डाउट है, दैट मीन्स दैट इज़ द राइट टाइम टू टेक इट ऑफ। और सिमिलरली मटन को भी हम चेक करेंगे, जब हमें लगे कि शायद पक गया है, दिमाग में आपके जब ये बात आए कि शायद पक गया है, वो 80 to 90% डन है, आप उस टाइम पे बंद कर दें गैस। अगेन एज फॉरगेटफुल एज आई एम, जिस घी में हमने अनियंस फ्राई करे थे वही घी हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच डालेंगे फॉर फ्लेवर। एक बार इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो राइस हमारा 80 to 90% कुक हो चुका है। 100% कुक इसको हमें नहीं करना है। और जो खड़े मसाले यहाँ लेटे हुए तैर रहे हैं इनको हम निकाल लेंगे। वी डोंट वॉन्ट एक्स्ट्रा फ्लेवर। वी ऑलरेडी हैव एडेड गरम खड़ा मसालाज इन मटन एज वेल। खाना खाते हुए सिर्फ मुंह में आएंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आपको इलायची अच्छी लगती है तो आप छोड़ भी सकते हैं। मैं ये सब निकाल लेता हूँ। थोड़ी बहुत काली मिर्च रह भी जाए नो प्रॉब्लम। लुक एट द राइस, वाह, नाइसली डन। अरे एक रह गई। अब हम गैस कर देते हैं बंद। वी विल जस्ट नाउ ड्रेन एक्सेस वाटर। इन द मीन टाइम आपको मटन के भी हाल दिखा देते हैं। लेट्स सी मटन हमारा कैसा चल रहा है। वाह, सी अच्छी तरह पकना स्टार्ट हो गया। इसको मैं एक बार और हिला देता हूँ तो ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये मैरिनेटेड मटन सीधे फ्रिज से था इसलिए इट टुक अबाउट 45 मिनट्स टू कुक। अब चेक करने के लिए कि ये हमारा डन है कि नहीं, हम एक पीस को लेंगे और इसको चाकू से कट करके चेक करेंगे कितना कुक हुआ है। सो इट इज सॉफ्ट बट नॉट एज सॉफ्ट, सो दैट मीन्स दिस इज 80 to 90% डन आफ्टर अबाउट 45 मिनट्स ऑफ कुकिंग। गैस हमने कर दी बंद। अब बाकी का मटन हमारा राइस के साथ कुक होगा जब हम इसको दम लगाएंगे। तो इसके बाद हमारी बनेगी
दम मस्त बिरयानी। तो अब हम अपने बिरयानी की फाइनल प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट करेंगे। बॉटम लेयर में कुछ पीसेस मटन के मसाले के, सो बॉटम लेयर में हम मटन लगा रहे हैं। इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे हमारे राइस, एक लेयर राइस का इसमें जाएगा। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे फ्राइड अनियंस, सैफरन मिल्क फॉर कलर एंड फ्लेवर, बाकी अगली लेयर में थोड़ा सा हरा धनिया, सम पुदीना अगेन, धनिया पुदीना फॉर फ्लेवर। अब हम इसमें फाइनल लेयर ऑफ मटन लगाएंगे। हमारा फाइनल लेयर आ गया मटन पीसेस का एंड रेस्ट ऑफ द ग्रेवी। इसके ऊपर हमारे बचे हुए चावल जाएंगे। सो आई लाइक टू हैव मोर मीट पीसेस इन माई बिरयानी, हैंस जितना मटन की क्वांटिटी होती है उसकी हाफ क्वांटिटी मैं राइस लेता हूँ। नाउ विल स्प्रिंकल द रिमेनिंग सैफरन मिल्क। फ्राइड अनियंस, सम धनिया एंड पुदीना, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स। अब हम बिरयानी को कर देंगे सील, लगाएंगे मस्त दम। सो आई विल सील इट विद आटा, होल व्हीट फ्लावर डो। अगर आपके वेसल का सील प्रॉपर नहीं है तो आप इसके आउटलाइन में भी आटे का डो लगा सकते हैं। अब हम अपनी बिरयानी को मस्त दम लगाएंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट। इन 15 to 20 मिनट्स आर दम मस्त बिरयानी विल बी रेडी। ओके, सो हियर वी आर, आर दम मस्त बिरयानी इज रेडी। व्हाट एन अरोमा, लवली। अब बिरयानी को एकदम साइड से हम नीचे से ऊपर करेंगे। लुक एट द कलर, लवली। सो हेयर गोज आर बिरयानी पीसेस, स्प्रिंकल द राइस ऑन टॉप ऑफ इट। ऑल द पीसेस आर सेपरेट। नाइस, आवर मटन बिरयानी इज रेडी। ईद मुबारक एवरीवन। एंजॉय द मटन बिरयानी एंड एंजॉय योर ईद।